हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ये एग्जाम 21 20 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोक्रोम टी वी सिस्टम कौन सा मोनोक्रोम टी वी सिस्टम है तो एन टी एस सी और सेकम ये दोनों क्या है कलर टेलीविज़न सिस्टम है ठीक है ना और मोनोक्रोम के लिए छः सौ पच्चीस लाइन का जो है इंडिया में यूज़ किया जाता है या फिर आप ए ट्वेंटी नाइन ये कर सकते हैं ऑप्शन डी बट ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है हम हंड्रेड परसेंट इसमें सिक्योर नहीं है तो आप ऑप्शन डी को जो है पुट करेंगे बट ये कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं द इलेक्ट्रोड्स इन ए कैथोड रे ट्यूब इज यूज टू डैश इलेक्ट्रॉन कह रहा है कैथोड रेट्यूब सी आर टी में इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है किसके लिए तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है टू का सी हो जाएगा एक्सेलरेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री है टू हैव परफेक्ट रिट्रेस इन द रिसीवर डैश सिग्नल इज यूज परफेक्ट रिट्रेस इन द रिसीवर के लिए कौन सा सिग्नल का, का यूज किया जाता है ब्लैंकिंग सिग्नल का यूज किया जाता है ब्लैंकिंग सिग्नल का थ्री का डी हो जाएगा ब्लैंकिंग सिग्नल क्वेश्चन नंबर फोर है द वर्किंग ऑफ मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन काम करता है फोर का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है विच पावर सप्लाई इज यूज इन द मोनोक्रोम टी वी सिस्टम मोनोक्रोम टी वी रिसीवर में कौन सा पावर सप्लाई का यूज किया जाता है तो एस एम पी एस का स्विचिंग मोड पावर सप्लाई का एस एम पी एस का यूज किया जाता है फाइव का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच थ्री कलर्स आर यूज इन कलर टी वी ट्रांसमीटर कौन सा तीन तीन कलर का जो है यूज किया जाता है तो आर जी बी जो आपका प्राइमरी कलर होता है ना उसी का यूज किया जाता है रेड ग्रीन और ब्लू रेड ग्रीन और ब्लू और इसका परसेंटेज होता है रेड का थर्टी परसेंट ग्रीन का फिफ्टी नाइन परसेंट और ब्लू का 11 परसेंट तो प्राइमरी कलर रेड ग्रीन और ब्लू का यूज किया जाता है सिक्स का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है हाउ मेनी टाइम्स मोर पिक्सल डू एन एच डी टी वी हैव देन द रिजोल्यूशन ऑफ एनालॉग सिग्नल इन ए डी टी वी डी टी वी के कम्पेरिजन में एच डी टी वी में जो है कितना टाइम्स जो है ज्यादा पिक्सल होता है तो सिक्स टाइम हो जाएगा ऑप्शन सेवन का ए हो जाएगा सिक्स टाइम्स क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीविजन यूजेज ए लेंस आफ्टर द पिक्चर ट्यूब टू इनलार्ज द पिक्चर पिक्चर को इनलार्ज करने के लिए किसमें लेंस का, तो का यूज किया जाता है तो प्रोजेक्शन टीवी में जो है प्रोजेक्शन टेलीविजन में लेंस का यूज किया जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा एट का क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रॉसमैन लॉ इक्वेशन वाईक्स इज टू जीरो पॉइंट फाइव नाइन जी प्लस जीरोगा नाइन का सी क्वेश्चन नंबर टेन है वाट इज द पीरियड ऑफ वन स्केनिंग लाइन इन कम्पोजिट वीडियो सिग्नल वन स्कैनिंग लाइन के लिए कितना होता है तो चौंसठ माइक्रोसेकेंड होता है ठीक है ना चौंसठ माइक्रोसेकेंड ट्रेस के लिए बावन माइक्रोसेकेंड और रिट्रेस के लिए बारह माइक्रोसेकेंड तो टोटल मिला के चौंसठ माइक्रो सेकेंड ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है व्हाट विल बी द वोल्टेज इफ द पिक्चर इज डार्कर इन कंपोजिट वीडियो सिग्नल पिक्चर डार्कर होगा तो वोल्टेज क्या होगा हायर वोल्टेज होगा और पिक्चर डार्कर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इलेवन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच स्टेट ऑफ मैटर इज यूज इन प्लाज्मा टीवी प्लाज्मा टीवी किस स्टेट ऑफ मैटर का जो है यूज किया जाता है फोर्थ स्टेट का यूज किया जाता है प्लाज्मा टीवी में ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्थ स्टेट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ थ्री डी टीवी थ्री डी टेलीविजन का रिजोल्यूशन जो है क्या होता है दस सौ चौबीस गुने सात सौ अड़सठ ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्रिस्टल माइक्रोफोन का जो है वर्किंग किस पे बेस्ड होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो है बेस्ड होता है फोर्टीन का सी हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफोन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट एंड वेलोसिटी माइक्रोफोन कह रहा है कौन सा माइक्रोफोन को प्रेशर ग्रेडियंट और वेलोसिटी माइक्रोफोन कहा जाता है तो रिबन माइक्रोफोन को बोला जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा रिबन माइक्रोफोन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है स सिस्टम इज यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एस्टीरियो साउंड एस्टीरियो साउंड के ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा मल्टीप्लेक्स सिस्टम का यूज कहता है एफ एम एफ एम का यूज कियाता है डी हो जाएगा सिक्सटीन का डी हो जाएगा एफ एम एफ एम सेवनटीन है द आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन फेट इन पी एस सिस्टम गोज टू कह रहा है जो आउट माइक्रोफोन का जो आउटपुट जो होगा जो द आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन फेड इन पी सिस्टम में जो फेड किया जाता है माइक्रोफोन उसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे मिक्सचर स्टेज में दिया जाता है मिक्सचर स्टेज सिस्टम गोज़ टू मिक्सचर स्टेज सेवेंटीन का सी हो जाएगा एटीन है द मोस्ट सुटेबल कैमरा फॉर ब्रॉडकास्ट परप ब्रॉडकास्टिंग परपज से कौन सा मोस्ट सुटेबल कैमरा है इमेज और थीकोन का यूज किया जाता है इमेज और थीकोन बी हो जाएगा एटीन का नाइनटीन है हाउ इज द रेफ्रिजरेंट यूज इन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एयर रेफ्रिजरेंट का कैसे यूज किया जाता है तो कंप्रेसर में यूज किया जाता है। इन द कंप्रेसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाइनटीन फॉर्म क्या होता है बी हो जाएगा ट्वेंटी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है ग्रुप बी का चार नंबर में हाउ डज एन इलेक्ट इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन डिफर फ्रॉम कैपेसिटर माइक्रोफोन इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन कैपेसिटर माइक्रोफोन से कैसे डिफर है अलग है ये बताना है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन क्रिस्टल माइक्रोफोन का डिसएडवांटेज बोलिए या फिर लिमिटेशन बोलिए उसको लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑपरेशन ऑफ सी डी प्लेयर सी डी प्लेयर के ऑपरेशन को जो है बताना है ब्लॉक डायग्राम की मदद से इसी के और में पूछा है डिफाइन द फॉलोइंग विध रिस्पेक्ट टू साउंड सिस्टम सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी को डिफाइन करना है साउंड सिस्टम में क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ डायरेक्ट टू होम डीटीएस सिस्टम डीटीएस सिस्टम के बारे में लिखना है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग प्लाज्मा टीवी या एच डी टी इस दोनों पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है बैकलिस्ट एलईडी टीवी इज बेटर देन एज लिट एलईडी टीवी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बैक लिट एलई टीवी जो है वो अच्छा होता है एज लिट एलई टीवी से इसको सेटिस्फाई जस्टिफाई करना है इसी के और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कलर थ्यूरी टीवी कैमरा कलर थ्योरी पे एडिटिंग मिक्सिंग सब मिक्सिंग है उसको बता सकते हैं या फिर टीवी कैमरा के बारे में लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्सप्लेन इन ब्रीफ फोटो कॉपी मशीन ऑपरेशन फोटो कॉपियर मशीन ऑपरेशन कैसे होता है कैसे फोटो कॉपियर मशीन जो है ऑपरेट होता है उसको बताना है इसी का और मैं पूछा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द ए डायनेमिक एंड स्टैटिक कॉपियर डायनेमिक और स्टैटिक कॉपियर में क्या डिफरेंस है अंतर है वो बताना है ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि छः नंबर का है डिफाइन वर्टिकल एंड होरिजेंटल रिजोल्यूशन कैलकुलेट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजोल्यूशन फॉर ए छः सौ पच्चीस लाइन सिस्टम छः सौ पच्चीस लाइन सिस्टम के लिए वर्टिकल रिजोल्यूशन और होरिजेंटल रिजोल्यूशन कैलकुलेट करना है इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सिंक इन डिटेल हॉरिजेंटल सिंक और वर्टिकल सिंक का जो है टाइम पीरियड डिटेल में बताना है क्वेश्चन नंबर एट है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम द फंक्शन ऑफ कलर टी वी ट्रांसमीटर कलर टी वी ट्रांसमीटर का जो है ब्लॉक डायग्राम को बनाना है और में पूछा है लिस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ पाल कलर टेलीविजन सिस्टम पाल कलर टेलीविजन सिस्टम का जो है उसका लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बताना है क्वेश्चन नंबर नाइन में एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीवीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर का वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है इसी का और में पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड इंटरलेस्ट स्कैनिंग प्रोग्रेसिव स्कैनिंग और इंटरलेस्ट स्कैनिंग के बीच में डिफरेंस बताना है क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कलर वीडियो सिग्नल पाल सिस्टम इन ए कलर रिसीवर पाल सिस्टम के बारे में जो है बताना है इसका और में है लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी वी कैमरा एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ बी डी कॉन कैमरा तो डिफरेंट टाइप ऑफ टी वी कैमरा के बारे में पूछा है इमेज ऑर्थिकॉन बी डी कॉन प्लम्बिकॉन ये हो गया और डिफरेंट ब्रीफ इन वर्किंग ऑफ बी डी कॉन कैमरा के बारे में जो है उसके वर्किंग बताना है कैसे काम करता है फोटो कंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेवन में पूछा है विद द हेल्प ऑफ नीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इच ब्लॉक माइक्रोवेव ओवेन का जो है ब्लॉक डायग्राम बनाना है और प्रत्येक ब्लॉक को जो है एक्सप्लेन करना है इसका और में पूछा है एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम की मदद मतलब से वॉशिंग मशीन के बारे में जो है आपको उसके प्रिंसिपल को बताना है तो ये देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम इक्कीस से सेप्टेम्बर दो को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये फोर्थ सेमेस्टर का है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच